कोरोना को लेकर राष्ट्रीय लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी लगातार देश के अलग अलग इलाकों से मजदूरों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली और उसके आसपास के जितने इलाके हैं, अब वो गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो या फिर दिल्ली के अलग अलग इलाके हों, मैं इस वक्त आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई सारे मजदूर जो हैं वो यहाँ पर जाने के लिए खड़े हैं और अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले उनके खाने का भी प्रबंध किया गया था। जिस तरह से लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी वो ये बता रही थी कि कई दिनों से भूखे प्यासे चल रही है लोग, अब इनके लिए मदद के लिए हाथ आगे बढ़ने लगे हैं। कहीं पुलिस वाले, कहीं पत्रकार, कहीं अलग अलग साथी जो हैं, सभी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे एक पत्रकार साथी हैं, पहले इन्हीं से पूछता हूँ क्या सोच कर ये काम करना पड़ा एक तरह से? क्या बताऊँ मैं आपको, हम लोग भी पत्रकार हैं, कई सामाजिक संस्थान लोग हैं, तो इस दुख के घड़ी में हम लोग सब साथ दे रहे हैं। जमुना पार के जितने भी पत्रकार हैं, जितने पुलिस वाले, गाजीपुर थाने के DCP ईस्ट हो गए, हमारे वीर सिंह प्रधान जी हैं संस्था के, उन्होंने हमने पूरा हमने सोचा कि जो राहगीर जा रहे हैं लोग, भूखे पेट जा रहे हैं, वो कई किलोमीटर जा रहे हैं, 400-500 किलो पानी, उनको खाने नहीं मिल रहा है, इसी चक्कर हमने ये पाके। पूरा कहाँ जाना है आप लोग? गोरखपुर जाना। गोरखपुर जाना है, कितना किलोमीटर है यहाँ से? 800 किलोमीटर है। कितने दिन लगेंगे यहाँ से 800 किलोमीटर? सर बोले हैं कि बोले हैं, अब पैदल निकले हैं, अब देखिए कितना दिन लगता है। एक हेल्पलाइन नंबर यूपी सरकार ने जारी किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, आप लोगों ने नंबर ट्राई किया क्या? नहीं सर, नहीं। क्यों नंबर ट्राई नहीं किया? है नहीं नंबर सर। अच्छा, वो नंबर नहीं है? नहीं सर। अगर वो नंबर मिल जाए तो उस पर ट्राई तुरंत ट्राई कर देंगे सर। उन्होंने साफ कहा है कि खाना पीना जो भी आपको रहने जाने की व्यवस्था है सब पुलिस करके देगी, आप बस उस नंबर पे फोन करें। सर कर तो नहीं रही है वो, तो सुबह में वहाँ हम लोग आनंद मोबाइल पर TV पे दिखा रहे हैं, अभी बैठे थे आनंद विहार से मार मार के भगाए हैं को, हम लोग तो बस अड्डे में बैठे हुए थे, पुलिस वाले ने मार के भगा दिया हम लोगों को। आप लोगों को अभी फिलहाल उस नंबर के बारे में जानकारी नहीं है? नहीं नहीं, कोई जानकारी नहीं है। देखिए ये बड़ा एक संकट है कि इतने सारे लोग, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है और कहां इस तरह से लगातार झुंड के झुंड हमारे जो ये मजदूर साथी हैं ये यहां से लगातार जा रहे हैं। और अब बताइए कि अगर किसी पर भी, ईश्वर ना करे ऐसा हो, अगर कोई भी केस एक तरह से पॉजिटिव आए और किसी संक्रमण फैला तो कितनी बड़ी संख्या में फैल सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोगों को पता है कोरोना चल रहा है, फैल सकता है, फिर भी भीड़ के भीड़ चल रही है। सर खाएंगे कहाँ, खाने को कुछ है नहीं तो हम करेंगे क्या सर? हम गांव जाना चाहते हैं, किसी तरह चले जाएं, यहाँ बैठकर क्या खाएंगे? पैसे पैसे नहीं हमारे पास, हम कैसे खाएंगे बताइए? हम लोग के पास कुछ नहीं बचा, तब हम लोग निकल पड़े वहाँ से, रूम से अपने अपने। लाला जो देता था, राशन देता था, वो भी बंद करके चला गया, कोई नहीं है वहाँ देखने वाला। तो इस विपत्ति के काल में यूपी सरकार ने भले ही नंबर जारी किए हैं लेकिन इन लोगों को साफ तौर पर कहना है कि उन्हें अभी तक इस नंबर की जानकारी नहीं है, अगर नंबर मिला है तो वो जरूर इस पर ट्राई करना चाहेंगे, सरकार अगर कोई मदद दे रही है वो लेना चाहेंगे। यहाँ तक कि वो लोग जो आनंद विहार में बैठे हुए थे सुबह से, अब उनको वहाँ से भी भगा दिया गया है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले पुलिस प्रशासन में उस नंबर की जानकारी होना बेहद जरूरी है ताकि इन लोगों को नंबर बताया जाए और सरकार ने जो एक सिस्टम बनाया है मदद करने का, वो नंबर जो है उन तक पहुंचे और वो लोग उससे मदद कर सकें। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, यूपी बॉर्डर।